नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीओवीपीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। लोकासा के महापर्व छठ में आज दिया जाएगा सूर्यदेव को संध्या। स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए बीएसएससी द्वारा निकाली गई बंपर भर्ती। बिहार पुलिस में गठित होगा स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच। महंगाई को लेकर 7 से 13 अप्रैल तक माले करेगी गांव से शहर तक विरोध प्रदर्शन। पैट कमिंस ने लगाया आईपीएल के इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व में आज दिया जाएगा सूर्यदेव को संध्या अर्घ। छठ खासकर बिहार वासियों को लेकर लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। ये सामान्यतः साल में 2 बार धूमधाम से मनाया जाता। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में भी छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। हालांकि कार्तिक महीने में मनाए जाने वाला छठ काफी लोकप्रिय है। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले छठ की तरह ही इसमें भी सारे क्रियाकलाप होते हैं, जिससे बीच आज छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कि आज की शाम डूबते हुए सूर्य को छठव्रती अर्घ देंगी। बीते दिन खरना का विधि विधान पन हुआ और इसके बाद अब कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए बीएसएससी द्वारा निकाली गई बंपर भर्ती। बीएसएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बीएसएससी ने ग्रेजुएट लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बीएसएससी की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाने वाली सचिवालय सहायक के लिए कुल 1360 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इसके साथ ही स्नातक स्तर पर कुल मिलाकर 2187 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई है। आपको बता दें कि आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 37 साल तक होनी चाहिए। 2187 में से 880 पद अनारक्षित है। 207 पद ईडब्ल्यूएस, 292 बीसी, 448 ईबीसी, 71 बीसी महिला, 342 एससी और 7 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। बिहार में एक साथ तीन तरह का मौसम, कहीं ठंड तो कहीं लू और धुंध से परेशान है लोग। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज कब किस ओर करवट ले ले कह नहीं सकते। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों लू जैसे हालात है तो कई स्थानों पर बारिश की भी आशंका जताई गई है। साथ ही कई स्थानों पर धुंध देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब इस समय में धूप होनी चाहिए तो इतना कुहासा क्यों है। बता दें कि प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही इन इलाकों में बूंदाबांदी की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बताते चले कि गोपालगंज के आसपास के इलाके में, साथ ही राजधानी पटना के गंगा के तटीय इलाके में जहां गंगा नदी का प्रवाह है, इन क्षेत्रों में भी धुंध जैसी स्थिति देखने को मिली है। बिहार पुलिस में गठित होगा स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच। बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर भी तोड़ निकाल लिया है। पुलिस ने अब जल्द ही स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच SIB शुरू किया जाने की बात कही है। इसके गठन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये काम करने लगेगा। SIB के गठन के बाद STF में इंटेलिजेंस या खुफिया सूचनाओं का संग्रह बेहद सशक्त और सटीक तरीके से मिल सकेगा। फिलहाल इसका नेतृत्व STF के SP करेंगे और यह ADG ऑपरेशन को सीधे रिपोर्ट करेंगे, यानी कि सभी खुफिया सूचना को साझा करेंगे। इस ब्रांच के लोग सभी जिला और इससे निचले स्तर पर भी रहेंगे, जो अलग अलग तरह की सूचनाएं एकत्र करेंगे। सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले लोगों को हाईकोर्ट ने दिया राहत भरा संदेश। सहारा इंडिया से अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सहारा कंपनी द्वारा विभिन्न स्कीमों में अपने यहां जमा करवा कर रखा गया, उसका भुगतान नहीं होना जनता के लिए कष्टकारी है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। वर्मा आयोग द्वारा तय मापदंडों के घेरे में होगी CM नीतीश कुमार की सुरक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीते कुछ दिनों पहले सुरक्षा में हुई चूक और मुख्यमंत्री पर प्रहार करने की कोशिश की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब पुलिस विभाग ने CM की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ही CM की सुरक्षा में उन सभी मानकों का पालन करना होगा जो केंद्र सरकार द्वारा 1991 में गठित वर्मा आयोग की अनुशंसा में शामिल है। आपको बता दें कि VVIP की सुरक्षा कैसी हो, इसके लिए वर्मा कमीशन का गठन किया गया था।
गर्मी की छुट्टी से पहले इन छात्रों के बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। बिहार के पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूली बच्चों के खाते में गर्मी की छुट्टियों से पहले बैंक खाते में 489 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि ये राशि पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को किताबें खरीदने के लिए दी जाती है। शिक्षा विभाग अब इस राशि को गर्मी की छुट्टी से पहले स्कूली छात्रों के खातों में क्रेडिट करने की योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि प्रदेश में कुल 72,000 प्राथमिक स्कूल है, जिनमें तकरीबन 125 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के अभियंता को किया तलब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में सड़कों का जाल बखूबी बिछाया गया है और इसमें कोताही पटना हाईकोर्ट को भी रास नहीं आई। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख और भागलपुर के कार्यपालक अभियंता को 7 अप्रैल को तलब किया। कोर्ट राज्य से गुजरने वाली बहुत सभी एनएच के मामले पर लगातार सुनवाई और मॉनिटरिंग कर रही है। कोर्ट का मानना है कि राज्य की जनता को यात्रा करने के लिए आरामदायक और अच्छी सड़कें उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर को दी बड़ी राहत। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद, जो कि विश्वविद्यालय के रुपए की हेरफेर में निलंबित कर दिए गए थे, फिलहाल राजेंद्र प्रसाद को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी है, जिसके तहत ही राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120B अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश और 420 जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। राजेंद्र प्रसाद के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत और कार्रवाई की रद्द करने के लिए दायर अर्जियों पर आदेश की सूचना की तारीख में 3 सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। 2017 से 18 में बिहार के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई को पूछताछ के लिए मंजूरी मिल गई है। दरअसल सीबीआई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी। यह मामला तब का है जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश भी की थी। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। महंगाई को लेकर 7 से 13 अप्रैल तक माले करेगी गांव से शहर तक विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में महंगाई की मार हर क्षेत्र में पड़ी है। इसका असर कम या ज्यादा सभी के पॉकेट पर पड़ा है। घरेलू कुकिंग गैस से लेकर पेट्रोल, सरसों तेल, रिफाइन तेल, यहां तक कि घर बनाने की सामग्री आदि ज्यादातर चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में इसको लेकर भाकपा माले पूरे राज्य में विरोध सप्ताह का आयोजन करेगा। आपको बता दें कि 7 से 13 अप्रैल को बीच विरोध का यह कार्यक्रम चलेगा। यह विरोध गांव से शहर तक चलना है। महंगाई के सवाल पर लोगों को गांव-गांव तक जाकर जागरूक करेंगे और हाट बाजारों में सभा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह विरोध ऐसा होना चाहिए कि केंद्र की सरकार की कानों तक बातें पहुंचे और सरकार पर बड़ा दबाव डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने के लिए बनाया जाए। अगले महीने किया जाएगा नियोजित शिक्षकों के बकाया राशि का भुगतान। नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश के करीब 3.25 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को मई महीने में उनके बकाया राशि का भुगतान नीतीश सरकार करेगी। इसके साथ ही 9 महीने पहले सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% का इजाफा किया था। सरकार यह राशि अब तक दे नहीं पाई है, लेकिन अब मई महीने में सरकार इस बकाया राशि यानी कि एरियर का भुगतान भी करेगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बीते दिन शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि के साथ जनवरी और फरवरी महीने के वेतन भुगतान मामले पर समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। 15,000 से अधिक अस्पतालों पर चला प्रदूषण बोर्ड का डंडा। अस्पताल ऐसी जगह होती है जहां साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, लेकिन बिहार के अधिकतर सरकारी अस्पतालों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सजग है और अस्पताल प्रशासन पर डंडा चलाने को तैयार है। आपको बता दें कि बिहार में 15,000 से अधिक अस्पतालों पर प्रदूषण बोर्ड का डंडा चला है। बिहार के 15,000 से अधिक स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं बिना प्रदूषण नियंत्रण परिषद से प्राधिकार प्राप्त किए संचालित है। हाल ही में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इन संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण परिषद से प्राधिकार दिलाए। विलंब होने की स्थिति में पूर्व में स्थापित नियमों के तहत स्वास्थ्य विभाग से प्रत्येक महीने दंड के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। नीट यूजी के लिए 6 मई तक कर सकते हैं आवेदन। नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम खबर है। इन छात्रों को बता दें कि एनटीए ने नीट यूजी का स्केड्यूल जारी कर दिया है। मालूम हो कि बिहार से हजारों बच्चे हर साल इसके लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में एनटीए ने आवेदन के लिए वेबसाइट neet.nta.nic.in पर बीते दिन लिंक अपलोड कर दिया। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं और 7 मई तक फीस भुगतान के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा और नीट यूजी की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन राज्य के 35 शहरों में किया जाएगा।
पैट कमिंस ने लगाया आईपीएल के इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक। आईपीएल के 14वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और नई फ्रेंचाइजीज टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल की बराबरी कर ली। कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीते दिन 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया। कमिंस ने 15 गेंद की पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने नाबाद 56 रन बनाए और इस दौरान कमिंस का स्ट्राइक रेट 373.33 रहा। उन्होंने डैनियल सैम्स की एक ओवर में 35 रन भी बनाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, सोनाली सिन्हा, नेहा भार्गव, रंजीत मेहता, गौतम कुमार, मिथुन पंडित, अजय सिन्हा, सलीम भाई, जितेंद्र ठाकुर, कविता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में समुचित सफाई व्यवस्था मिल पाती है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।